ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। ये हक्के अम्मा, आपको इसके पिताजी से 50,000 रुपए लेने थे जो हमने ले लिए। अब बाकी के 10,000 बनते थे वो भी हमने इसको दे दी। अब क्या है ना साहब, में कोई भूल चूक नहीं रहनी थी मामा। अरे अपनी कलम उठाओ और घिसो। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। भांजा जी, ये हिसाब से तो इसका हिसाब हो गया पूरा। अब इस घर में तो ये रह नहीं सकती है, बताइए। हमें यहाँ पे काम पे रख लीजिए। हम यहाँ पे रह के अपने भाई, अपने माँ बाबा के लिए 2 वक्की रोटी कमा सकते हैं। और हम घर का काम तो सीख ही गए हैं। तुम? अरे अम्मा, रहने दीजिए ना। क्या है कि श्रद्धा जी के जो घर के काम है उसमें हाथ बंटवा लेगी, है ना? तुम कहते हो तो रख लेते हैं। थैंक यू अम्मा। शुक्रिया टकराए, हम ये आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। श्रद्धा जी, शेठ जी, हमने कचरा के बाबा को अपने हाथों से नहीं। श्रद्धा जी, रोने की जरा भी जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी किया, आपसे करवाया गया था, आपने अपनी मर्जी से थोड़ा ना किया था, वो आपकी मजबूरी थी। श्रद्धा जी, जो कुछ भी हुआ ना, बस उसे भूल जाइए। देखिए, हम इस वक्त अपने कमरे में, अपनी दुनिया में, और वादे के मुताबिक हमें इस कमरे में, अपनी दुनिया में बाहर की कोई भी चीज, कोई भी बात नहीं लानी चाहिए। और देखिए तो सही, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये आंसू अब हमें नहीं चाहिए। क्योंकि रोकर आप सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि हमें भी तकलीफ पहुंचा रही हैं।
क्योंकि अभी रिश्ता ही ऐसा बन गया है कि अगर एक रोएगा तो दूसरा बिखर जाएगा। ये बहुत कीमती है हमारे लिए श्रद्धा जी। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और ये मोती एक तरफ, और इतनी आसानी से हमारी इस दौलत को बर्बाद मत होने दीजिए। हम जरा पानी पीकर आते हैं। पहले की दो शर्तें तो हार चुकी है, तीसरी हम जीतने नहीं देंगे। पर बीड़ी, शेर ने तो कजरा के फादर का कर्ज चुकता कर दिया है ना? अरे शेर का दिल ही ऐसा है, हम जानते हैं उसे। अभी मोहब्बत में है ना, उसके मोहब्बत का बुखार तो हम उतारेंगे। फिर देखते हैं कि अपने माँ के दूध का कर्जा अदा करता है यह दुनिया का। शेर, हम
अपनी दुनिया में इतना व्यस्त कर देंगे उसे, श्रद्धा मैडम जी के साथ मोहब्बत फरमाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए ना वो जो बिल्डिंग का काम चल रहा है वो संभाल लेंगे, शेर को लेकर हम शहर जाएंगे। दिन में दरवाजा काहे बंद है? पीड़ित, क्या कर रही हैं आप? They are a married couple. How can you just barge in? कमरा शादीशुदा लोगों का है, रिश्ता पति पत्नी का थोड़े ही है। जी अम्मा। हुआ अम्मा, ऐसे काहे देख रही है? कुछ नहीं, जरूरी काम याद आ गया, जा रहे हैं। गजरा, क्या बना रही हो? जी जी, ओहो, तो हलवा बनाया जा रहा है। लगभग बन चुका है जी, बस अब आप चक्कर बताइए कि कैसा बना। चीनी और घी सब ठीक है ना? पहली बार बनाया है। अरे वाह गजरा, ये तो बहुत ही अच्छा बना है, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में पड़ा है। वैसे गजरा, क्या बात है, सुबह जो कुछ भी हुआ और अभी तुम ये सब कर रही हो। गजरा, हमें माफ कर देना, हम कुछ कर नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाए? जी जी, आप करें या ठाकुर साहब, बात तो बराबर है ना। आप चले गए थे ना, तो उसके बाद ठाकुर साहब ने हमारी बहुत तरफदारी की। अच्छा, तो ये थैंक यू बोलने के लिए तुमने हलवा बनाया है, हाँ? इतने प्यार से कि आंखों में आंसू भी है और चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट भी। जी जी, जो ठाकुर साहब ने हमारे लिए किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इतना ही नहीं, एक झटके में उन्होंने हमारी सारी मुश्किल दूर कर दी और अब तो हमें यहाँ रहने के और काम करने के पैसे भी मिलेंगे जिससे हम अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा सकते हैं। जी जी, हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन आज ठाकुर साहब के रूप में हमें भगवान नजर आए। बस बाबा बस, अब और रोना नहीं। पता है गजरा, शेर जी में यही अच्छाई बनाए रखने के लिए ये जो लड़ाई है ना, वो हम लड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि शेर जी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनकी पत्नी हैं। अरे अरे, हलवा जल जाएगा, जल्दी से गैस बंद करो। गजरा, हलवा तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, काम करना सीख गई हो मतलब। जीजी ने बनाना सिखाया था,
जैसे जैसे उन्होंने बनाना सिखाया था वैसे वैसे हमने बना दिया। अरे अम्मा कहाँ? अम्मा को भी हलवा बहुत पसंद है, अम्मा को बुलाओ। अम्मा! ठाकुर साहब, ठाकुराइन घर पर नहीं है। अजीत जी अड्डे पर गई भाई, थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। इस वक्त अड्डे पे? क्या बात है भाई, ये तो जीत जी का फोन, फोन हमारे पास छोड़ दी भाई। हमको लगता है कुछ देर दुनियादारी से दूर रहना चाहती इसलिए गई है। ये अम्मा को भी ना जाने बैठे बैठे कहाँ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हमको। पीडी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इस बात की सजा दे रही है आप अपने आप को। तुम दोगे या हम खुद लें? बस बीड़ी बहुत हो गया। अरे बीड़ी, I can't see you like this. तुम चुप नहीं रह सकते? पीडी, I can't see you like this. आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप अपने आप पर? क्या कुछ नहीं किया दोनों को अलग करने के लिए, जमीन पाताल एक कर दिया, कुछ नहीं लगा हाथ हमारा। श्रद्धा मैडम ने अपना तिरिया चरित्र दिखाया और ले गई हमारे लल्ला को, कर लिया अपने काबू में उसे। कार नहीं है हमारे पास, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, बस लल्ला नहीं। आज हम बिल्कुल अकेले। ओह गॉड सेक बीडी, क्या लगता है आपको इससे पहले उनके बीच कभी कुछ हुआ नहीं होगा? ये जो आंखें हैं ना, ये सब पहचानती हैं, बहुत तजुर्बा है इनको। आज से पहले एक ही घर में रहते थे, एक ही छत के नीचे। पर एक नहीं हुए थे, लेकिन आज हम अकेले हो गए। बेटी जस्ट रिलैक्स। हम भी ऐसे हार नहीं मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। बीड़ी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी हुई? अरे पति पत्नी है दोनों, और वो जो कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, आप जबरदस्ती उसमें आग डालने की कोशिश क्यों कर रही? बीड़ी, दे आर लाइक मैग्नेट, जितना आप उन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे उतना ही दोनों एक दूसरे के करीब खींचे चले आएंगे। और आज सुबह जो आपने ये पैसा वसूल करने वाली हरकत की है ना, उसके वजह से शेर और श्रद्धा हमेशा के लिए एक हो गए। Do you even realize that? मतलब ये सब कुछ हमारे वजह से हो, हमने ही अपने अल्लाह को खुद से दूर कर दिया। की सजा तो हमको मिलनी ही चाहिए, आहे किया हमने।
अब क्या करें? बीडी अपने बारे में सोचिए, आपकी अपनी एक जिंदगी है, कभी एक मिनट आपने अपने बारे में सोचा है? सोचा है कभी? कहाँ है रे? कहाँ अपने बारे में सोचे? तुम जब से आए हो हमारे सर पर नाच रहे, चाहते क्या हो तुम? बीडी मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, बेहद खुश, इस बारे में सोचे। बीडी, बीडी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जिंदगी के उतार चढ़ाव को आपके साथ मिलकर जूझना चाहता हूँ। बीडी आई लव यू। क्या इतनी सी बात आप समझ नहीं पा रही हैं?